अभी मैं हूँ माउंट आबू और यहाँ पे रात को निकला था, पूरी रात ड्राइव करके जस्ट हम एंटर ही हुए। तो गाइज मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक्सप्लोर इंडिया एपिसोड 18 में और आज हम आए हैं अरवली पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, पूरे इंडिया में हिल स्टेशनों में जो विख्यात ऐसे माउंट आबू में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो क्या करें और पहले भी आ चुके हैं तो क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और माउंट आबू पे दो एपिसोड होने वाले हैं, एक एपिसोड 80 और दूसरा एपिसोड 90। एपिसोड 80 में नक्की लेक, मेन बाज़ार, सनराइज टू सनसेट और फूड के बारे में बताऊंगा। तो गाइज ये मत समझना कि मैं आपको समझाने आया हूँ या सिखाने आया हूँ, पर यहाँ क्या करना चाहिए ताकि समय भी बचे, पैसे भी बचे और पूरा आनंद उठा पाए। तो लेट्स स्टार्ट। माउंट आबू के मुख्य आकर्षणों में से एक मेन आकर्षण नक्की लेक है। ये झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और ख़ास बात यह है कि यहाँ अक्सर सदियों में, खास दिसंबर एंड से लेके जनवरी में ये झील अक्सर जम जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि ये झील नाखूनों से खोदकर बनाई गई है, इसलिए इसे नक्की लेक भी कहा जाता है। झील और चारों ओर के पहाड़ियों, झील पहाड़ियों में बसा ये झील, झील को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। एकदम ब्लू स्काई, हरियाली और चारों तरफ पहाड़ियाँ सैलानियों का मन मोह लेते हैं, और साथ में ठंड और एकदम ठंडा पानी, साथ ही में झील के बीचों बीच बोटिंग ट्रिप को चार चांद लगा देती है और पल भर मन आनंद से भाव विभोर हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद देने वाली झील यहाँ लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। कार्तिक पूर्णिमा को झील में स्नान करने का भी महत्व है। कहते हैं नक्की लेक माउंट आबू का दिल है और झील के मध्य में एक फव्वारा बनाया गया है जो भी यहाँ का एक आकर्षण है। और रात को अक्सर झील किनारे लोग बैठने आते हैं और सर्द रातों का मज़ा उठाते हैं। तो गाइज ये इसका मेन तो मतलब ये, अगर आप ऐसे रूबरू जाओ और जैसे ही स्टार्ट अप करो पूरा अर्ली मॉर्निंग, पहले ही सीधे ही पूरा झील का एक बार मुआयना कर लो, क्या है क्या नहीं वो देखो। और शॉपिंग अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये शॉपिंग तो ये मेरा थोड़ा दोपहर का समय था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो सनसेट के बाद जो रात का शॉपिंग है वो आप करें तो आपको और रोशनी, एट्रैक्टिव और कुछ ख़रीदारी का मज़ा भी देगा। यहाँ आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाएगी और यहाँ आजू बाजू गाँवों से ऊपर आके लोग बसे हुए हैं। और ये जो यहाँ का टूरिज़्म क्षेत्र है तो चार महीने ही यहाँ ठीक तरह से, मतलब ये ठंडी के समय में या गर्मियों में इसका वो होता है, जो हमारा मानसून होता है मानसून में ये बंद हो जाता है। यहाँ आपको राजस्थान की कारीगरी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ कुछ टॉयस वगैरह, गर्म कपड़े और आपको हर प्रकार की चीज़ मिल जाएगी जो आजू बाजू राजस्थान की ख्यातनाम है। कुछ टॉयस की बात हो या फिर खाने पीने की बात हो, खाने में भी यहाँ आपको बहुत सारी मतलब सब प्रकार की वैरायटी खाने में भी आपको दिख जाएगी। और यहाँ एक एडवेंचर पार्क भी है जो पहले नहीं था, लास्ट में शायद 5-7 साल से हुआ होगा, तो उसमें भी आपको आप जाओगे तो एक और एडवेंचर्स आपको प्रकृति के साथ मिल जाएगा, जहाँ पे तरह तरह की राइड्स आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप मोटर बाइक में भी जा सकोगे, आप वहाँ बंजी जंपिंग, वो पूरा फॉरेन सिस्टम तो नहीं है लेकिन ऐसे करके आप बंजी जंपिंग का लुत्फ़ उठा पाओगे। और तरह तरह के वहाँ राइड्स है, हॉर्स राइडिंग है और या फिर कुछ साइकिल वाला भी सीन है जो पूरा पहिया घूमता रहता है। तो यहाँ माउंट आबू में आपको हर तरह का एक आनंद, मतलब आपका जो ट्रिप है ना वो आप कहीं और जगह जाओ, यूँ तो हर जगह जहाँ प्रकृति है वहाँ हर जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये माउंट आबू जो हाइट पे है और साथ में ठंड,
या फिर ये हो सके कि आप जब जाओ तब माइनस डिग्री में तापमान हो, थोड़ा आपको वो लगेगा कि आप थोड़ा आपको असहज होगे, लेकिन नेचर का भी एक अपना मज़ा है। और जो चीज़ हम पहले कभी नहीं की होती हुए जो फर्स्ट टाइम हम करते हैं उसमें और ज़्यादा मज़ा है। हो सके कि उस समय पे आपको ना मज़ा है, लेकिन वो जो ये याद आपके मन में रह जाती है, वो जो एक फीलिंग आपके अंदर बैठ जाती है आपके दिलो दिमाग में, वो खास मतलब वो एक अंदरूनी जज्बात जगा देती है। तो ये एडवेंचर्स पार्क भी ऐसा है कि वहाँ आप जाओ तो हर तरह की यहाँ आपको मतलब आपके पास पैसे है तो हर एन्जॉयमेंट यहाँ आप कर पाओगे। और मैं जब रास्ते में निकला, ये बेसिकली सनसेट में जब जाने वाला था तब का ये शूट किया था, तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ कितने सारी पब्लिक आती है, और जो ठीक है वो अपना पूरा साल भर करते और कुछ पैसे यहाँ खर्चते, लेकिन ये 5-10 रुपए में ये लड़की जो टैलेंट दिखा रही है वो भी एक थोड़ा दिल को हर्ट करता है। तो फिर यहाँ खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ वेज नॉन वेज दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ गुजराती से लेके राजस्थानी से लेके पंजाबी तक आपको मिल जाएगा। यहाँ 5-स्टार होटल की सुविधा भी आपको रहने के लिए मिल जाएगी, या फिर थोड़े चिप भी रूम आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। मतलब यहाँ आपको नाश्ते में यहाँ आपको कचौड़ी और ये पकोड़े भी मिल जाएगी, यहाँ आपको पोहा भी नाश्ते में मिल जाएगा। तो गाइज अभी शाम का समय हो चुका है और सनसेट का भी समय हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा लेट पड़ गया था। मेरे दोस्त लोग जो मेरे पहले पहुँचे हैं, मैं उनके पास लेके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मेरा आपको ये सजेशन है कि आप सनसेट पे अगर आप वो पॉइंट देखना चाहो और वहाँ जाओ तो एक टाइम पे मत जाना यार, घंटे भर पहले चले जाना। फिर पार्किंग में ये दिक्कत है और ट्रैफिक इतना है कि आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।